WHO के सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर शहडोल पहुंचे, धनपुरी के वार्ड नंबर 24 हाउस के आसपास का लिया जायजा। WHO के सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अभिषेक बछौतिया ने यहां सर्विलांस कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा किए गए कंटेनमेंट प्लान की सराहना करते हुए कहा कि खुदा न करे यहां कोरोना आए, यदि आया भी तो इसी प्रकार की जागरूकता से उसका मुकाबला किया जा सकता है। सरकार के गाइडलाइन के अनुसार WHO की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। अब चीफ हाउस एरिया में कंटेनमेंट प्लान जारी रहेगा अथवा नहीं, इसको लेकर जिला प्रशासन डॉक्टरों से डिस्कस के बाद ही जारी रखने व हटाने का निर्णय लेगा। इस बीच धनपुरी के चीफ हाउस इलाके में मंगलवार को भी नाकेबंदी रही। करीब 3 किलोमीटर के दायरे में किसी के भी आने जाने की मनाही है। WHO के सुझाव पर पुलिस ने कंटेनमेंट प्लान जारी रखते हुए पूरे इलाके को आइसोलेशन पर रखा है। गौरतलब है कि चीफ हाउस इलाके में कोरोना का पहला संदिग्ध केस मिलने की आशंका पर इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया था। हालांकि रविवार को इलाज के दौरान जबलपुर में महिला की मौत के बाद रिपोर्ट में महिला कोरोना से संक्रमित नहीं पाई गई थी, यानी कोरोना वायरस नेगेटिव आया था। धनपुरी नगर पालिका अंतर्गत वार्ड नंबर 24 में 3 दिन पहले एक महिला को पहले कोरोना संदिग्ध पाया गया, फिर उस महिला की जबलपुर में उपचार के दौरान मौत भी हो गई, और जब कोरोना रिपोर्ट आया तो महिला और उसके पति दोनों ही रिपोर्ट में नेगेटिव पाए गए, जिसके बाद से जिले के लोग व प्रशासन सकते में था। आज WHO के SMO अभिषेक बछौतिया शहडोल पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने मृत महिला के घर में जाकर वहां के आसपास का जायजा लिया, साथ ही वहां मौजूद स्वास्थ्य अमले से कई सवाल जवाब किए और उन्हें कुछ समझाइश भी दी। इस दौरान काफी देर तक वहां के स्वास्थ्य अमले और WHO के SMO के बीच बातचीत होती रही। यहां की तैयारियों को देखकर WHO के SMO काफी संतुष्ट नजर आए। अपने इस दौरे को लेकर अभिषेक बछौतिया बताते हैं कि हम यहां जिस केस के तारतम्य में आए हैं वो पहले कोरोना सस्पेक्ट लग रहा था, लेकिन फिर रिपोर्ट नेगेटिव आई। सैंपल मिलने के साथ ही कलेक्टर ने यहां कंटेनमेंट प्लान लागू कर दिया था, जैसा कि किसी भी पॉजिटिव केस में किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस वाला पेशेंट या इन्फ्लुएंजा की तरह लगने वाली कोई बीमारी होती है, जो यह केस था, तो हमें बिल्कुल कोरोना के गाइडलाइन के साथ ही काम करना है। और यहां आकर लग रहा है कि अगर यहां कोरोना का एक भी केस होता है तो उसे कंटेन करने में और उससे बीमारी किसी और को ना फैले, इसके लिए शहर पूरी तरह से तैयार है। आगे की जानकारी के लिए आइए देखते हैं शहडोल से हमारे रिपोर्टर अविनाश शर्मा की ये रिपोर्ट। आपने बैठक ली, उसमें क्या दिशा निर्देश दिया, क्या करना? एक्चुअली यहाँ पर हम जिस केस के तारतम्य में आए हुए हैं, वो केस उस समय हमें कोरोना सस्पेक्टेड लग रहा था। सैंपल लेने के साथ ही यहाँ पर कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार कंटेनमेंट प्लान बन गया था, जैसा कि किसी भी पॉजिटिव केस में किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस वाला पेशेंट या इन्फ्लुएंजा की तरह लगने वाली कोई बीमारी अगर होती है, जो कि ये केस था एक्चुअली, ऐसा अगर कुछ होता है तो हमको बिल्कुल कोरोना के गाइडलाइंस के साथ ही हमको काम करना है। और इसके पहले जो कागजी कार्यवाही जो कलेक्टर साहब के द्वारा हुई, CMHO सर के ऑफिस से हुई, BMO साहब के तरफ से हुई, वो सारी भी मैं देख चुका हूँ। और आज यहाँ फील्ड में आके भी मुझे समझ में आ रहा है कि हम कोरोना का अगर एक भी हमारे पास कोई केस हुआ तो हम उसको कंटेन करने में और उससे बीमारी किसी और को ना फैले, उसके लिए बिल्कुल इस समय सक्षम है, तैयार हैं। और तैयारियाँ काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री हैं फिलहाल यहाँ पर। और जिस तरह से बहुत सही समय पर सारा फील्ड वर्क यहाँ पर किया गया, कंटेनमेंट प्लान को लागू कर दिया गया, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पर बीमारी अगर आई भी खुदा ना खास्ता तो फैलने की कोई स्थिति नहीं बनी। मध्य प्रदेश में जैसा कि सभी को पता है इस समय पर कि केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, और बहुत सारी सावधानियाँ बरतने का ही शायद नतीजा है कि हमारे ज़िले में अभी तक कोई भी केस पॉजिटिव नहीं आया है। ध्यान रखने की जो बात है वो सभी लोगों को जो घर में भी हैं वो भी, और जो अपने नौकरी के कारण, काम के कारण, अपनी ड्यूटीज़ के कारण जो घर से बाहर भी जा रहे हैं, सब जगह उनको केवल सोशल डिस्टेंसिंग का, यानी आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखने का ध्यान रखना है। उसके अलावा लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि अगर तबीयत में ज़रा सा भी अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बुखार आ रहा है, यदि सांस की कोई तकलीफ़ हो रही है, सूखी खांसी किसी को बहुत ज़्यादा चल रही है, तो जितने भी निकटतम स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर संपर्क करें। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बस लोगों को यही इस समय पर करना है। भ्रामक बातों से बचना है, बहुत ज़्यादा इस बात में किसी को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे देश में इस समय इस बीमारी की कौन सी स्टेज चल रही है, क्या है, कोई भी पैनिक होने वाली बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। स्थिति अभी तक के जो है अपने पूरे देश में, माना कि केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, कुछ मृत्युएं भी हुई हैं, लेकिन स्थिति कंट्रोल में है। लगे तो कम से कम लगे वो ठीक है, लेकिन इस तरह से डालोगे लॉन्ग भी लेना।